स्कूल खुलन दे नाल इन्ना बच्चियां दे चेहरियां उत्ते रौनकां तां जरूर पड़दियां ने, पर ए मासूम मौत दे साए हेठां पड़ रहे ने। इस गल नूं सुण के तुसीं सोच रहे होवोगे कि स्कूल दे विच बच्चियां दी जान नूं की खतरा है, पर इत्थे पोल खोलदी है पंजाब सरकार दे सिख्या विभाग दी बद इंतजामी दी। सूबे दे विच सिख्या दे म्यार नूं उच्चा चुकण दे झूठे दावियां दी ओह किवें वीडियो एडिटर साहब राज विखायो सिख्या विभाग दी नलायकी दा। हुण समझ आई कि असीं क्यों कह रहे हां कि बच्चे मौत दे साए हेठा ने। जिला मोगा दे पिंड पत्ती रूपा दे प्राइमरी स्कूल दे विच सत जमातां दे दो विद्यार्थी इस हाल दे विच इक छत हेठा पढ़ते ने। उतो इस कमरे दे विच मिड डे मील भी तैयार किया जाता है, एलपीजी गैस का सिलेंडर भी इत्थे ही पिया है। जे खुदा ना खासता गलती नाल भी गैस लीक हुंदी है जां कोई बच्चा ही सिलेंडर दी नॉब खोल दिंदा है तां एक मिंट नहीं लगना ए सब तबाह हो। बच्चियां नूं पढ़ाउंदे अध्यापक हथ जोड़ जोड़ ए स्कूल दी सार लैण दी दुहाई सरकार नूं पा रही है। उत्तों पखाना भी जमात विच है जिस दे बदबू कारण बच्चियां दा सा लेना भी औखा हो चुकी है। पहली दूसरी दे बच्चे है वो छोटे होने करके उन्होंने मुश्किल बहुत आती है। टीचर्स ने डाक भी बनानी है, पढ़ाना भी है, पेपर भी करवाने हैं, हर काम टीचर्स कर रहे हैं पूरी मेहनत नाल, लेकिन सानू दुख इस गल दा कि असीं बच्चों उन्नी नहीं करवा सकते हैं क्योंकि रौला बहुत ज़्यादा है। किसी बच्चे को सिलेंडर की नॉब जी है चुल्हे की वो खुली भी रह सकती हैगी है, वो बच्चा शरारत न खोल भी आता है, पलक झपकद्या ही बच्चा पहुँच जाता सिलेंडर को। एक बाथरूम हैगा उ रोटी नाल बनती हैगी है, खाना भी अंदर वरताया जाता हैगा वै, लेकिन साड़ी तो बेनती वाली गल है कि बच्चों ही सानू अलग कमरे चाहिए है। ਇੱਥੇ ਸਰ 5 ਕਲਾਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ 3 ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ। गरीब परिवारां दे बच्चे इस स्कूल च अपना भविख सवारना आउंदे ने। उहनां दे मापिआं नूं अपने बच्चिआं तों बहुत आसां ने, पर ओह वी इन्हां हालातां नूं वेख के चिंता दे विच हन, जिन्हां स्कूल दी बद तों बदतर हालत दे लई सूबे दे मुख्यमंत्री नूं जिम्मेवार ठहराया है। ए सर जी 200 बच्चे इक्को हाल दे अंदर पढ़ रहे आ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹਾਲ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਵਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं उत्थे विजिट किया स्कूल दे विच, ते विजिट करने तो बाद मैं सकत्तर साहब नूं विषय च भी दस्या, ते डीसी साहब दे भी ध्यान च लियाता इह सारा मामला, ते उह जल्दी ही उहदा जिहड़ा हल डीसी साहब कहिंदे भी कीता जाऊगा। इत्थे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जी, होर स्कूल भी हैगे डीसी साहब दे ध्यान च, 7-8 स्कूल हैगे आ जिन्हां च थोड़ी थोड़ी समस्या सीगी, वो सारे डीसी साहब दे ध्यान च हैगे आ, वो जल्दी ही उहनां दा जिहड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
स्कूल के हालात वेख के सूबे के सिक्ख्या विभाग की कारगुजारी के संबंध में कई सवाल खड़े होंगे ने कि करोना काल च जिथे सूबा सरकार वालों स्कूलों के करोना हिदायतों की पालना करना लाजमी किया है उत्थे ही 200 बच्चे एक कमरे के बैठ के किवें सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते ने इन्ने रौले च तां अध्यापकां नूं ही नहीं समझ आउंदी होणी कि उह बच्चां नूं पढ़ा की रहे ने ते बच्चे की समझ रहे होणगे अंदाजा तुसी लगा ही सकते हो। सो कुल मिला के यह सूबा सिक्ख्या विभाग की असल कारगुजारी। मोगा तो सरबजीत रौली दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट पीटीसी न्यूज।